हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस पहले वीडियो पॉडकास्ट में मेरे साथ पहला गेस्ट है, हमारे साथ रेहान भाई हैं, जिनके साथ आज बहुत सारी बातें करेंगे। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था, इस पॉडकास्ट का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी लोग हैं सऊदी में, सबके अपने अपने कुछ स्ट्रगल्स होंगे, कुछ स्टोरी होंगे, कुछ हम लोगों को उनके एक्सपीरियंस से सीखने का मौका मिलेगा। तो इनसे भी मैं कुछ सवाल पूछूंगा, कुछ सवाल इनके करियर के बारे में पूछेंगे, कुछ सवाल ये भी पूछेंगे कि जब वो शुरुआत में सऊदी आए थे तो उस समय क्या क्या उनको डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ा, कुछ कोविड के समय के सवाल पूछेंगे, और बाद में कुछ और सवाल पूछेंगे इनके बारे में, वो मैं उसी समय बताऊंगा, नहीं तो ये अभी से सोचने लगेंगे। तो रेहान भाई, मोस्ट वेलकम आपके टाइम के लिए। तो पहला पॉडकास्ट है ये, और मुझे लगता है कि मेरे लिए भी पहला पॉडकास्ट है, आपके लिए भी पहला ही होगा। तो पहली बात हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप सऊदी आए थे पहली बार, पहली समय कितने साल पहले आए थे, तब मुझे मुझे पता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चीज़ होगा जो हमारे व्यूअर्स को, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट होगा। तो आप एक सिक्वेंस में अगर बताएंगे तो अच्छा होगा। मेरी कहानी तो लंबी है, ठीक है, बट मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगा ताकि जो लोग जैसे आपके चैनल में इंटरप्ट करना चाहूंगा जी, जो भी आपको बोलना है फ्रीली बोलिए, मतलब कोई ऐसा फॉर्मेलिटीज नहीं है। अगर इसके ऊपर चार के बैठ जाता है तो बैठ जाइए आराम से, है ना। थैंक यू। क्योंकि कोई और फॉर्मेलिटीज नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि एडिट मुझे ही करना है। कुछ ऐसा चीज होगा तो उसको काट करके उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आराम से बोलिए, फील इजी। मैं फील इजी कर रहा हूँ, और जो मैं बोलूंगा सच बोलूंगा, ताकि जो सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूंगा, और जो आपके जैसे जो आपके सब्सक्राइबर है, ताकि वो लोग भी अगर आना चाहते हैं इधर तो उनको ये पता लगे क्या सच्चाई है, क्या मतलब है जो रियल है, ठीक है। मैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को 2012 में मैं इधर आया, और जब 2012 में आया तो मैं कुछ भी नहीं जानता था, या मैं ना मुझे अरबी आती थी, ना मुझे कुछ कोई एक्सपीरियंस नहीं था यहाँ का, कुछ भी नहीं। जब 2012 में यहाँ पे आया तो मैंने मैंने लिया था आज़ाद वीजा, और जब आज़ाद वीजा से आया तो यहाँ पे ऐसा नहीं है मतलब अब आ गए तो पैसा कमाना शुरू, या स्टार्टिंग पॉइंट में आपका चालू, ऐसा नहीं है। हाँ, मीटर चालू ऐसा नहीं, ये चीज़ नहीं है। तो वो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, पर आपको डिफिकल्टी भी आएगी, आपको बहुत सारा कुछ झेलना पड़ेगा, उसके बाद आपको कुछ मिलेगा। पर इस टाइम में मैंने देखा कई लोगों को कि वो झेलते झेलते भी चले जाते हैं, बोले मैं जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, बट जो झेल गए उनके लिए फायदा होता है। ये चीज़ है, वेरी गुड। ये बात ये भी है कि जब हम इंडिया में रहते हैं तो हम सब लोगों को ये लगता है कि वहाँ बहुत अच्छा होगा, जाते ही एक 5-star ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं। बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में एक डिफरेंस है। मैं भी जब आया था 2013 में जी, तो कुछ ऐसे भी एक्सपेक्टेशंस थे, लेकिन मेरा जितना एक्सपेक्टेशन था उसी हिसाब से था, मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया। और जहाँ तक वो एक बात आपने बताया था मीटर के बारे में, मीटर चालू होने के बारे में, हमारे ऑफिस में, अभी जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ वहाँ पर एक मशीन रखा हुआ है, जब भी मैं सुबह जाता हूँ तो पंच करना पड़ता है। जो आजू बाजू वाले लोग होता हूँ मैं, बोलता हूँ मीटर चालू हो गया, सेम ईयर वो मीटर चालू होना ही है। अच्छा, तो फिर आप आए यहाँ पे सऊदी अरेबिया में, कैसे आए थे, मतलब कोई एजेंसी के थ्रू आए थे? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, और एक बात मैं और बात बताना चाहूँगा लोगों को, 12 तारीख को जद्दा में जो एम्बेसी है वहाँ पे एक ओपन हाउस सेशन होने वाला है जी, वहाँ पे मैं ये सवाल जरूर उनसे पूछूंगा, ये बात जो मैंने आपसे अभी पूछा था, क्योंकि इंडिया से जो सऊदी आ रहे होते हैं, जो एजेंसी वाले होते हैं, जो रिक्रूटिंग एजेंसीज रहते हैं जी, इतने पैसे लेते हैं 1-1.5 लाख रुपए, और यहाँ सैलरी कितना उन लोगों का, 800, 1000, 1200 रियाल, 1500 रियाल। तो वो 1500 रियाल कमाने वाला 1.5 लाख रियाल, 1.5 लाख रुपये जो वहाँ दे के आया है, वो एक साल का तो सैलरी यहीं पर कमा के वहाँ पर चुकाएगा। तो ये सवाल जरूर पूछेंगे उनसे कि भाई ये जो इसके ऊपर एक गाइडलाइन होना चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए रिक्रूटमेंट फीस, तो ये जरूर पूछेंगे उनसे। तो आप बताइए उसके बारे में। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि अभी जैसे यहाँ पे अब 1500 रियाल कमा रहा है, या 800 रियाल कमा रहा है, 1000 रियाल कमा रहा है, अभी पहले जैसा नहीं है। जब मैं 2012 में आया था पेट्रोल 33,000 लीटर था जब मैं आया, और जो भी यहाँ सामान थे सब 1 रियाल में हो जाता था, मतलब दही है या लेबन है या कुछ भी चीज है, पेप्सी वगैरह 1-1.5 रियाल में थी उस समय, अभी 100% बढ़ा दिया। हाँ, तो ये सब चीज भी आपको थोड़ा केयर करना है।
जो यहाँ आदमी आता है अब किस तरह रहता है। कुछ लोग सिटी के अंदर रहते हैं तो उनके लिए बेनिफिट है, कुछ लोग आउटसाइड रहते हैं उनके पास साधन नहीं है, उनके पास क्या है, तो हर यानी हर सिचुएशन है यहाँ पे, वो देखना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको ये सवाल पूछ रहा था कि जब आप आए थे जी, तो अक्सर लोग एजेंसी के थ्रू आते हैं जी, तो आप क्या कैसे आए थे, मतलब कोई एजेंसी के थ्रू आए थे, कितना पैसे पे कर रहे थे उनको, और जो काम आपको वहाँ पे बताया गया था वही काम यहाँ पे करवाया है, वो थोड़ा सा आप बताइए। देखिए मैं आपको पुराना भी बताऊंगा अभी मिला के बताऊंगा जो अभी है, ताकि लोगों को आने में आसानी हो। एग्जैक्टली ठीक है। पहले मैं जो आया, मैं तो एक कफील का वीजा था उससे आया मैं। ओके ठीक है। कुछ लोग डायरेक्ट भी आते हैं, अब डायरेक्ट कैसे आना है, कंपनी का जो एचआर जाता है या सऊदी को डायरेक्ट जाता है इंटरव्यू लेता है, उससे आप आओगे तो कभी नहीं फंसोगे। ओके। जो काम तुमको बोलेगा वही करना है। बट अगर कोई कंसल्टेंसी के थ्रू आ रहे हैं और वो तुम्हें सिर्फ वीजा बताता है कि हाँ भाई वहाँ ये काम है, आपको ड्राइविंग करना है या आपको लेबर का काम है, तो हो सकता है आप कुछ और भी काम करा दे आपसे, आपको मजरे में डाल दे, खेत में इधर उधर कहीं डाल दे, या जहां का आपको बोला है आपको बोलेगा जद्दा सिटी के अंदर, आपको उठा के फेंक दे कहीं बाहर 100-150 किलोमीटर दूर। क्योंकि मैं क्या, मैं बाहर चलने वाला आदमी हूँ, मैं सबसे ज्यादा ड्राइविंग करता हूँ सऊदी अरब के अंदर जद्दा, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है सेल्स का। ओके वेरी गुड। तो मेरे को हर जगह जाना रहता है, मैं भूखा हूँ सेल्स का, तो मैं देखता हूँ कितने लोग बताते हैं मेरे को स्टोरी, कितने लोग फंसे हुए हैं, कितने लोग अच्छे कंडीशन में है, थोड़ा उन्होंने डिफिकल्टी सही एक महीना, छह महीना या एक साल, फिर उनको बहुत अच्छा हो गया। मतलब ये है कि जब भी हम आए वहां से, जो वीजा है वो किस चीज का है, वहां पे कंपनी का है या फिर कोई नॉर्मल कंसल्टेंसी का है, उस पर ध्यान देना। मोस्टली जो कंपनी के वीजा से रहते हैं वो रिस्क फ्री रहता है, नहीं तो जो कंसल्टेंसी वाले रहते हैं वो आपको वहां से लेके आएंगे, बोलेगा वहां पे ड्राइवर के लिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको ड्राइविंग नहीं आई, आपको बोलेगा जो लेबर का काम करो, वहां पे लेबर का काम करो, जाओ तुम इस तरह में वो बकरी को घास खिलाओ, है ना। यस वो ओके ओके। तो ये मतलब एक एडवाइस है बाकी लोगों के लिए जो भी आना चाहते हैं कहीं से भी, पाकिस्तान वाले भाई हो या बांग्लादेश से हो, आने से पहले एक बार रीवैलिडेट जरूर कर लिए। आर्य भाई का जो सवाल है मैं उसका जवाब ये देना चाहता हूँ कि आप कभी भी अब जब आना है आपको, तो आप सबसे पहले ये करो, सबसे बेस्ट ये है कि आप पहले तो एक, अगर इंडिया के लोग हैं, इंडिया क्योंकि मैं इंडिया से हूँ, आई बिलोंग टू इंडिया, सो आई विल टॉक अबाउट ओनली इंडिया। ओके। तो इंडिया के लोग हैं जैसे मुंबई में है या दिल्ली में है, कहीं भी है, आजकल तो सब ऑनलाइन है, ब्रॉडकास्ट एक आता है पेपर ब्रॉडवे, ओके ठीक है, या एब्रॉड करके एक पेपर है, उसमें हर हफ्ता क्लासीफाइड आता है, वो विटनेस डे को शायद आता था उस टाइम, तो मुंबई में आप देखते रहो उस पर इंटरव्यू जेन्युइन रहता है, आप जाके वहाँ दो आपको बड़ी बड़ी कंपनियां का आएगा, छोटी कंपनियों का आएगा, पर वहां जो आपका इंटरव्यू होगा वो एचआर और सऊदी ओनर जो होते हैं या उस तरीके से आपका इंटरव्यू होगा। नहीं, ये आपने बहुत जरूरी अच्छा बात बताया, इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी जरूर पब्लिश करूंगा कि कहाँ कहाँ एक वैलिड ऑथेंटिकेटेड जो न्यूज का जो एडवर्टाइजमेंट है वो किया जाता है ना जी। ओके वो डेफिनेटली बताएंगे। तो जल्दी से अभी, क्योंकि अगर पहला पॉडकास्ट है तो जल्दी से वाइंड अप भी करना है, तो यहाँ पे जो कोर वैल्यू है जो हम ऐड करेंगे आज के पॉडकास्ट में वो ये रहेगा कि आप 30 सेकंड में बताइए कि आपने क्या स्ट्रगल किया और कैसे उसको ओवरकम किया। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं जब इधर आया तो मेरे को कुछ मिल नहीं गया, मैंने जिसमें काम किया हार्डवेयर नेटवर्किंग करके आया, फिर यहाँ कफील का वीजा था तो उस समय आजाद वीजा था, तो मैंने इधर सारा काम किया यहाँ पे, तो जो काम बोला गया वो काम मेरे को नहीं मिला, मेरे को काम वही मिला कि सीढ़ी उठाओ रखो चलो केबलिंग करो, बहुत सारा मतलब उस टाइम मैंने बहुत सहा, 4-5 महीने 6 महीना सैलरी टाइम भी नहीं, फिर मैं ओवर टाइम भी करता था जाके कहीं और भी हार्डवेयर नेटवर्किंग का काम करता था, ठीक है, और फिर ये भी होता था कि सुबह 8 बजे निकलता था तो रात में 12-1 बजे आता था, उस समय हाफला वाफला चलते थे, वो बस बोलते हैं छोटी बस, उसमें 2 रेल देके जाने का आने का, तो बहुत सारा सिस्टम था, तो मैंने उसको स्ट्रगल किया, तो अगर मैं नहीं किया होता, मैं उस समय परेशान था, अगर चला गया होता तो कुछ नहीं, उसके बाद मेरे को सब कुछ हुआ। तो मैं आपको शॉर्ट में ये बताता हूँ कि मैं वहां से जब निकला तो फिर मैं कोई कंपनी में लगा, फिर मैं जेसीबी, जो मेरे को एम था मेरा, मैं जेसीबी में आया, फिर मेरे को और आगे बढ़ा, आज मैं इक्विपमेंट सेल्समैन हूँ कि मैं इक्विपमेंट सेल करता हूँ जद्दा के अंदर। तो ये शॉर्ट कहानी है कि कोई मतलब ये कि हार्ड वर्क आपको करना है, आपको कितना ही प्रॉब्लम आए आपको परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आपको आगे बढ़ाएगा। इसमें मैं कुछ और ऐड करूंगा जो मुझे समझ में आया आपके बातों से कि भाई जब हम आते हैं वहाँ से, मान लीजिए हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस रहता है, नहीं भी रहता होगा, यहाँ आके एक एक्सपीरियंस गेन करना है एक पर्टिकुलर, अगर आपको मान लो आप एक इंजीनियर हो या फिर एक वर्कर हो, प्लम्बर हो,
है ना, और यहाँ पे आपके आने के बाद आपको वो बिल्डिंग का वो सीमेंट बालू वाला काम करवाना है, है ना। जरूरी नहीं है कि उससे अपसेट होना है, ये वो जो भी है, जो भी सीखना है, जैसे जैसे आप यहाँ पे रहोगे वैसे आपके कॉन्टेक्ट्स बनेंगे, आप लोगों को जानेंगे, इसके बाद आप अच्छे अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहिए, जैसे आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं वहाँ मूव ऑन कर लीजिए, तो आपका वो पहला फेज ऑफ स्ट्रगल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, धीरे धीरे वो एक ग्रेजुअल इम्प्रूविंग फेज में जाएगा, है ना। और बाकी जो लेबर लॉस के बारे में है वो तो मैं आप लोगों को बताता ही हूँ मेरे चैनल में, वो आप देख सकते हैं। तो रेहान भाई, और कुछ सवाल और भी है? जी जी बताएं। सऊदी में जब जो जो लोग आके फंस जाते हैं, है ना, जो फंस जाते हैं उनको लगता है कि अब या तो मैं कूद जाऊँ कहीं पे या तो फिर इंडिया चले जाऊँ, वैसे लोगों को अगर आपको समझाना हो क्या करें, क्योंकि मुझे कई बार बड़ा डिफिकल्टीज होता है। इंस्टाग्राम में लोग ये बोलते हैं कि मेरा कफिल मुझे बंद करके रख दिया, कोई रो रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, तो फिर उसको मतलब कैसे आप कंसोल करेंगे? देखो, सबसे पहले चीज, अगर आपके अंदर सब्र नहीं है, बुरा ना मानिएगा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, अगर जिस बंदे के अंदर सब्र नहीं है तो वो सक्सेस नहीं हो सकता। ये सब्र मतलब पेशेंस, पेशेंस वो होना चाहिए लाजिम, क्योंकि मैंने खुद देखा इस तरह बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो हुरूफ करके आए, हुरूफ मतलब समझते हैं ना, हुरूफ एक ही हुरूफ जानता हूं मैं, वो रन अवे वाला, हां रन अवे वाला वही। अच्छा, वो रियाद में था तो इधर आ गया, क्योंकि उसको काम उस टाइम के टाइम में काम सही नहीं मिला उसको, तो इधर आ गया वो। अब उसने हुरूफ में डाल दिया कफिल ने, बट यहाँ पे वो इंतजार किया उसने, 3 साल 4 साल लगाया, मतलब 2 साल 3 साल जो भी, फिर गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला उस टाइम कि आप अभी आप जो हुरूफ वाले आ जाइए, आप एग्जिट जाइए तो आप दोबारा आ सकते हो यहाँ पे। तो आपको उस टाइम क्या, उस टाइम आपको अरबी आ गई, दूसरा आपको नॉलेज हो गया यहाँ पे, तीसरा आपको क्या हर चीज, मतलब अब आप दोबारा जब आओगे तो आपको पता है आपको क्या करना है। अगर जैसे आरजे भाई की तरह जैसे अगर लोग आपको मिल जाएंगे तो आपको गाइड कर देंगे कि जैसे मैंने आपको बताया एक एब्रॉड पेपर आता है तो वहां पे आप जाइए, या मुंबई में आजकल तो सब ऑनलाइन है, फेसबुक पे भी आता है हर हफ्ता, वो वेडनेसडे को आता है, तो उस पर आप देखते रहो क्लासीफाइड में उसके नौकरी को, फिर आप इंटरव्यू देने पहुंचो, दिल्ली में भी इंटरव्यू होता है, मुंबई में भी होता है, आप जाओ, आप लेबर टाइप के लोग हो तब भी जाने का, या आप अगर थोड़ा मेजर वीजा पे हो तो भी जाने का, सब है वहाँ पे, सारा कुछ है। ओके, वेरी गुड, नहीं ये बहुत अच्छी बात है। तो आज लगभग बहुत सारे ऐसे बात ये एक एक्चुअली अनप्लान्ड और अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट है, अक्सर ऐसा ही रहेगा, और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ हर बार की हर हफ्ते किसी ना किसी को, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं खास करके जो जद्दा में हैं, उनको इन्वाइट करूँ हमारे इस स्टूडियो में, उनसे कुछ बातें करेंगे, उनके अंदर क्या जो स्टोरी है वो जानेंगे। और एक सवाल मुझे आपसे पूछना था कि एक बात बताइए, जब भी आप कोई यूट्यूबर को देखते हैं, है ना, या फिर जिसको आप मान लीजिए आपने तो मुझे वीडियो में देखा है, उसमें देख रियलिटी में देख रहे हो, तो एक यूट्यूबर का क्या इमेज रहता है बाकी लोगों के दिमाग में, है ना। आप मेरे यहाँ पे आए हो, मेरे घर में आए हो, आप मेरा पर्सनल स्पेस देखा है आपने, और आपने मुझे वीडियो में भी देखा है, जी जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ओवरऑल कि एज ए यूट्यूबर जिसको आप सोशल मीडिया में देखते हो और जब रियल लाइफ में देखते हो तो क्या डिफरेंस लगता है, क्योंकि जब मैं देखता हूँ किसी यूट्यूबर को मुझे लगता है कि वो कितना बड़ा हाईटेक होगा, कितना बड़ा मतलब एक कुछ और ही होगा, तो ये थोड़ा आप बताइए जल्दी से। क्योंकि मैं अपना लेके बताऊंगा कि जब मैं आपसे मिला कोरोना के टाइम था, उस समय जब मेरी बात हुई तो मुझे यूट्यूबर लगते हैं, मतलब एज पर माई ओपिनियन कि यूट्यूबर एक ऐसे एक हाईटेक लोग हैं, इनके पास सब नॉलेज होता है, हर चीज होता है, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन देंगे एकदम सही देंगे, और इनके बहुत लिंक्स होते हैं जो हम लोग यूट्यूबर की बात कर रहे हैं, जैसे आरजे भाई का ये कोई और यूट्यूबर है, इनके लिंक्स होते हैं एक दूसरे से, मतलब इतना सपोर्ट होता है कि उस टाइम में जब फंसा हुआ था, मेरे को फैमिली बुलाना था, कोरोना टाइम था, तो अरजय भाई ने बहुत मदद किया, मतलब ऐसा मदद किया जैसे को ऐसा ब्रदर जो कि मैं इनको जानता भी नहीं था, इन्होंने एकदम खुल के मदद किया, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इनके पास जाओ एंडोर्समेंट करा दो, यहाँ से जाओ ऐसे आएंगे लोग कि मालदीप के थ्रू मैंने अपने फैमिली को बुलाया था, मतलब लिंक होते हैं यूट्यूबर के पास, और इनको नॉलेज होता है हर तरफ से, मतलब ये लोग ट्विटर फेसबुक इधर उधर हर जगह ही रहते हैं, तो ये क्या करते हैं यूट्यूबर के अंदर एक खासियत है, जो अच्छे यूट्यूबर है जैसे अरजय भाई है और एक दो लोग हैं, पर मैं आरजे भाई को ज्यादा फॉलो करता हूँ, क्योंकि इनका जो होता है ना, इनकी वीडियो कब आती है, जब कोई चीज इनको लिंक मिलता है तो उस पर ये पूरा अप्रूव करते हैं अपने आप को कि हाँ भाई इसको मुझे पोस्ट करना है, जब एकदम वो ऑथेंटिक न्यूज होगी 100% कन्फर्म, उसके बाद न्यूज आएगी तो मैं उस पर भरोसा करता हूँ, हाँ आरजे भाई बोल रहे हैं
खत्म कि मतलब इन्होंने पूरा मेहनत करके वो वीडियो बनाया है और इस तरह। और कोई अगर ऐसे लेके आता है, यूट्यूबर बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, कि फॉरन गया आया बस वो फटाफट उतार दिया, तो हो सकता है कभी कभी वो फेक भी होता है। नहीं, कई बार अपडेट हो जाते हैं जी। तो वो उसके बारे में बताइए, जो इंप्रेशन रहता है वो उसके बारे में हम लोग ज्यादा इंप्रेशन तो ऐसा था, मेरा इंप्रेशन मैं बता रहा हूँ कि मैं आरजे भाई के लिए क्या करूँ, मतलब ऐसा मुझे लगता था, मतलब ये अगर एक यूनिक आदमी, मतलब यूनिक इंसान है और इनका एक अलग रहन सहन, अलग ही मतलब दुनिया होगी इनकी, ऐसा मैं सोचता था, ठीक है। बट जब ये इधर आए और जब मैं इनको देखा, भाई इनसे मिला, मैं अभी आना जाना भी साथ में है और बहुत सारा, तो मैं देखा नहीं नॉर्मल आदमी कैसे इनकी लाइफ है, जैसे हम लोग की लाइफ होती है सेम सेम अरजय भाई की भी लाइफ है, ठीक है। ये भी बिजी रहते हैं हर काम में, हर चीज़ में, और इनके पास हमसे ज़्यादा काम होता है, जो कि ये टाइम देते हैं बहुत बड़ी बात है, अगर ये टाइम दे रहे बहुत बड़ी बात है, मैं देख रहा हूँ ये बिजी आदमी है, यूट्यूबर ऑलवेज बिजी होना चाहिए। मैं कुछ और भी ऐड करूंगा इसमें, एक और बात मैंने ऐड करना है इसमें कि जो यूट्यूबर्स होते हैं ओके, उनके पास अपना एक कोर काम होता है, एक होता है फुल टाइम यूट्यूबर, एक होता है पार्ट टाइम यूट्यूबर। उनको ऑफिस भी जाना है, ऑफिस में भी उनको काम करना है, ऑफिस से आने के बाद खुद के लिए खाना भी बनाना है ना, खाना बनाने के बाद में उनको कल का जो ड्रेस है, जो यूनिफॉर्म या फिर जो भी फॉर्मल्स पहनेंगे रेडी भी करना है, और जो वीडियो बनाएंगे उसके लिए 10 तरह का वेबसाइट पढ़ना है, ट्विटर में फॉलो करना है, एंगेज करना है, इसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करना है, एडिट करना है, अपलोड करना है, इसके बाद खत्म नहीं हुआ, इसके बाद फिर कमेंट पे भी एंगेज होता है, कमेंट पे रिस्पॉन्स ना दो तो लोग नाराज हो जाते हैं, तो ले देखे बहुत बिजी लाइफ रहता है, बहुत बिजी लाइफ रहता है। कई बार मैं सोचा था कि कुकिंग के कुछ वीडियोस बनाऊंगा, मेरे ब्लॉग चैनल्स हैं उसमें वीडियोस बहुत सारे पब्लिश, नहीं टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। अर्जय भाई इज डूइंग वेरी गुड कुक एंड आई वांट टू से समथिंग अबाउट लाइक अर्जय भाई इज लाइक अ यू नो नॉर्मल पर्सन एंड ही वांट टू सपोर्ट एवरीबॉडी, ही इज सपोर्टिंग, आई एम रिस्पेक्टिंग हिम एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट बिकॉज ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ वर्क, और उस काम के होते होते बहुत इन्होंने मतलब सबका जवाब देना, मैं जो कि देखता रहता हूँ इनका, मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं इधर आया हूँ तो मैं इनका पूरा सेटअप देख रहा हूँ, और जो इन्होंने बोला है वो एकदम सच है कि टाइम निकालना पड़ता है, जो कि सऊदी अरब के अंदर ये बहुत बड़ी चीज़ है, टाइम निकाल के अपना मतलब काम बताना बहुत बड़ी चीज़ है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आज एक और वीडियो भी शूट करेंगे, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इस चैनल से पहले 2013 से मैं सोच रहा हूँ कि एक कुकिंग वाला चैनल, तो उसका अभी तक कोई फाइनल कुछ ऐसा हुआ नहीं, टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे, और आज ये आए हैं तो इसको कैमरामैन बना रहे हैं भाई। आज भाई जब बनाया खाना, मैं इधर आया हूँ और मैंने खाया, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो अच्छा मतलब क्या है, खुद के लिए बनाते हैं तो वही है बस, मतलब वो टाइप माइंडसेट रहता है कि कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, क्या है, और बहुत अच्छा मतलब इनको चैनल उस पे करना चाहिए, मतलब स्टार्ट नहीं, आज जो मेरे जो ब्लॉग वाले चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, ब्लॉग वाले चैनल्स में कुछ वीडियोस ऑलरेडी है, उसी में मैं कुकिंग वाला भी कंटिन्यू करूंगा, अभी तो चलेंगे ना उठ से, हां तो फिर लेके आते हैं, हां आज कुकिंग का वीडियो भी एक ब्लॉग है पोस्ट करूंगा, मतलब ये मान के चलिए कि जो मेरे गेस्ट आएंगे है ना, अगर वो ओके है मतलब कॉम्पेटेबल है तो मैं जरूर उनको खाना भी बना के खिलाऊंगा, और उनको मैं वीडियो मतलब कैमरा मैन या कैमरा वुमेन जरूर बनाऊंगा है ना, ताकि वो भी एक वीडियो बने। आई विल डू दिस। ओके, तो परफेक्ट था, काफी लंबा हो गया ये, तो अभी जो दूसरा पॉडकास्ट हम पब्लिश करेंगे वो होपफुली नेक्स्ट वीक करेंगे, हर फ्राइडे या सैटरडे को, 2-3 और भी लोग हैं जिनको आना है तो उनके साथ बात करेंगे, जैसा टाइम होता है उस हिसाब से शुरुआत में पॉडकास्ट पब्लिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको पूछना चाहिए, जो पॉडकास्ट में पूछे जाने चाहिए, ओके, उसको जरूर आप कमेंट में लिखिएगा, और जरूर बताइए आप लोग कि ये पॉडकास्ट जो कि पहला पॉडकास्ट था मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए और इनके लिए भी, आप लोगों को कैसा लगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर कर लीजिएगा, और Okay, good day, bye bye, take care.